दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं नागपुर जा रहा हूँ। वजह यह है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ के सिर में ब्रेन ट्यूमर है और इस ट्यूमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे ट्यूमर के बारे में पता चला, मैं ताजुद्दीन बाबा के पास अर्जी लगाने पहुंच गया। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी मेरी माँ के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी अम्मी को जल्द से जल्द शिफा दे। बस मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त चाहता हूं कि आप लोग भी ताजुद्दीन औलिया से मेरी अम्मी के हक में दुआ करें। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। दोस्तों, वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे दिखाया, आपने वीडियो जो देखा होगा कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने पोस्ट भी डाली थी अपनी अम्मी के लिए कि मेरी अम्मी के लिए दुआएं करना। तो अम्मी की तबीयत काफ़ी नासाज चल रही है। मैं अम्मी को लेकर नागपुर भी गया था और वहाँ पे मैंने चेकअप भी कराया मम्मी का, और डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। वीडियो जो नहीं आ पा रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं अपनी माँ के लिए भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे। और मैं थोड़ा सा आपको और बता दूँ कि अभी अम्मी की तबीयत उतनी बेहतर नहीं है। वो अभी मैं थोड़ा सा अभी मम्मी की तरफ आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मम्मी की हालत अभी कैसी है। आइए मेरे साथ, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देखिए, मम्मी जी, मम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वो देखो, सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपने जितने भी ग्रीन चिली के लोग हैं सब लोग आपको देख रहे हैं। सबसे सलाम कर लो मम्मी। सब लोग आपको देख रहे हैं। तो दोस्तों, अम्मी की तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे। जैसी मम्मी की तबीयत अच्छी होंगी बहुत जल्द वीडियो आएंगे। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द अल्लाह उन्हें शिफा दे। दुआओं का मुंतज़िर हूँ मैं आप लोगों का। अब मेरे अपने भाई का सपोर्ट करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस दोस्तों, यही वजह है कि अभी वीडियो नहीं आ पा रहे। और बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने भाई का सपोर्ट करें। जैसी अम्मी की तबीयत अच्छी होंगी बहुत जल्द वीडियो आना भी शुरू हो जाएंगे। बस अपने भाई का सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना।